गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देर शाम उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिच्छेद बांदा अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल द्वारा बांदा शहरी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड, AS चेकिंग टीम, LIU टीम के साथ बस स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों तथा यात्रियों से पूछताछ करते हुए सख्त चेकिंग की गई। देखिए, 26 जनवरी को लेकर आज एक विशेष चेकिंग अभियान चलवाया गया था, जिसमें शुरुआत बस स्टैंड से की गई थी। फिर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें आ रही थी उनको चेक किया गया, जो यात्री थे उनको चेक किया गया, बैग्स चेक किए गए। हमारे साथ बॉम्ब स्क्वाड भी रहा था और डॉग स्क्वाड भी रहा था, प्लस GRP की टीम भी थी। और काफ़ी विशेष पुलिस बल को लेते हुए लगभग 80 से 100 आदमी हम लेते हुए चले थे और पूरे क्षेत्र को चेक किया गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन से निकलते हुए महेश्वरी देवी चौराहा से पूरा मार्केट घूमते हुए हम बाहर आए। इसमें DIG सर द्वारा, मेरे द्वारा सभी लोगों से बात की गई। अतिक्रमण का भी लोगों से यहाँ पे अनुरोध किया गया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए अपनी दुकानों को अंदर लगाइए। शुरू में उनसे एक बार अनुरोध किया जाएगा, उसके बाद चलान किए जाएंगे। अगर इस तरह से अतिक्रमण होता है और ट्रैफिक जाम की समस्याएँ आती हैं, और विशेष रात को जो होटल ढाबे गेस्ट हाउसेज है, इसका अभियान चलेगा ताकि 26 जनवरी हमारे यहाँ पर शांतिपूर्वक बने। और सब जैसे मैंने पूर्व में भी मीडिया सबके द्वारा एक बाइट दी थी कि आप कोई भी यात्रा, तिरंगा यात्रा, शोभा यात्रा है, उसकी अनुमति लें, समय से लें और बिना अनुमति के कोई भी यात्रा ना करें, जिसके कारण कोई भी ब्लॉकेज या ट्रैफिक जाम किसी भी क्षेत्र में आए। उन्माद फैलाने वाले लोगों को नारे के लिए मना किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित किया गया, किस तरीके से रोका जाएगा? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा स्पष्ट, कल आप सभी ने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखा होगा, आदेश दिए गए हैं। कोई भी जो इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए मैंने पूर्व में भी जैसे बताया है, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी आयोजन है, उसकी अनुमति लें ताकि हमें पता हो। इसके कारण प्रॉपर वहाँ पर पुलिस बल बॉक्स फॉर्मेशन में रहेगा आपका शांतिपूर्वक कार्यक्रम कराने के लिए, बिना अनुमति के कार्यक्रम ना करें और जो भी इस तरह करते हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखा गया कि बड़ी संख्या पे आप हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, कहाँ कहाँ चेकिंग की गई, क्या है चेकिंग का मुख्य उद्देश्य? कल 26 जनवरी को देखते हुए मेरे द्वारा टीम बना करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उस चेकिंग अभियान में कप्तान साहब, CO साहब, पुलिस लाइन की टीम, कोतवाली की टीम, आप देख रहे हो कम से कम सैकड़ों हमारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनके द्वारा चेकिंग की गई है। और इस चेकिंग में केवल मैनुअल चेकिंग नहीं, बल्कि हमारे साथ AS चेक की टीम भी मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। सबसे पहले बस स्टैंड की चेकिंग की गई, उसके बाद आकर के हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर भी चेक किया। यहाँ GRP की टीम भी साथ थी, अभी 2 गाड़ियाँ गई हैं नेपाल उतरने वाले यात्रियों के साथ, शालीनता के साथ चेकिंग की गई है, आपने देखा है। तो कुल मिलाकर के चेकिंग अभियान ही निरंतर चलता रहेगा और रात में होटल की, ढाबों की, इनकी चेकिंग कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया को हम लोगों ने सजग कर दिया है, सतत निगरानी की जा रही है, जैसे कि कल होने वाले 26 जनवरी के अवसर पर किस तरह की अप्रिय बात उत्पन्न न होने पाए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या अपील करते हैं लोगों से? गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम पूरे जनपदवासियों के लिए पुलिस की तरफ से कहते हैं कि ये गणतंत्र दिवस सभी लोग अच्छे खुशी माहौल में अच्छे ढंग से मनाएं, और ये गणतंत्र दिवस का दिन सबके लिए हर्ष उत्पादक हो, सबके जीवन में अच्छा आशा का संचार करें और निरंतर प्रगति लाए।